हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है टेक सिविल साइट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत जबरदस्त और खास टॉपिक कि इंजीनियर की साइड पे क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या क्या होती है, जिम्मेदारियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो बन रहेंगे दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिविल साइट इंजीनियर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कंस्ट्रक्शन साइड, जहाँ पर भी अपना काम चलता है, तो इंजीनियर की क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, वही मैं सारी चीज आपको एक एक करके बताऊंगा। और इस वीडियो से आप ये जान पाओगे आप साइट पे जब काम करते हो तो आपकी जिम्मेवारी क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा पॉइंट नंबर वन ये है रीडिंग ऑफ ए ड्राइंग। पहले जो पॉइंट है रीडिंग ऑफ ए ड्राइंग, मतलब ड्राइंग को पढ़ना। सबसे पहले जो मेन मकसद जो इंजीनियर का होता है वो होता है ड्राइंग को पढ़ना, कि ड्राइंग को हम अच्छे से कैसे रीड करें। अगर नहीं पता, जो आपसे ऊपर के लेवल के हैं, PMGM हैं, उनसे आप सीखो। ठीक है, वो सीखने के बाद अपना साइड पे ड्राइंग पढ़ करके अपना काम चालू करवाओ। सबसे मेन चीज़ है प्रिपरेशन ऑफ ए ड्राइंग, ड्राइंग की तैयारी करो, पढ़ाई करो अच्छे से उसकी, उसको रीडिंग करो। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर टू देखिएगा प्रिपेयरिंग बार बेंडिंग शेड्यूल। देखिए, जैसे हमारा स्लैब बांधते हैं, कॉलम बांधते हैं या बीम बांधते हैं किसी की, ठीक है, तो क्या होता है जैसे सरिये की हमें एंट्री करनी होती है, BBS बनाना पड़ता है, बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर टू पे क्या था, बार बेंडिंग शेड्यूल। इसका हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कहाँ पे हमारा कितना सरिया लगा, कैसे लगा, और हमें BBS कैसे तैयार करना है, रिंग का साइज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट ये है BBS का। अब देखिए पॉइंट नंबर थ्री, अलॉटिंग वर्क टू लेबर, मतलब इंजीनियर सेट करता है अपने माइंड सेट के हिसाब से कि लेबर को, कौन से लेबर को क्या काम दिया जाए। बाकी उसके जो रेख देख करता है वो फॉरमैन का काम होता है, सुपरविजन करने का, वो देखने का, वो फॉरमैन देखता है वो चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो लेबर को वो अपने हिसाब से अपने तरीके से काम एक बार बताएगा, फॉरमैन को समझाएगा कि ऐसे ऐसे यहाँ पे इतनी लेबर लगनी, ये काम करवाना है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखिए, सुपरविजन ऑफ द क्योरिंग प्रोसेस। सबसे जो मेन चीज़ जो जरूरी होती है वो होती है तराई। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो और उस पर तराई नहीं करते हो तो कंस्ट्रक्शन का काम बेकार हो जाएगा आपका। मान के चलिए आपने एक कॉलम कास्ट किया और उस पर प्रॉपर आपने तराई नहीं दी, ठीक है दोस्तों, तो उस पर क्या होता है, कई बार सीमेंट होने के कारण अच्छा ग्रेड है, M25 है, तो सीमेंट उसमें ज़्यादा होती है, तो कॉलम फट भी सकता है आपका बिना तराई के। ठीक है दोस्तों, लेकिन उस पर पानी मारना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 7 days तराई मारते हैं हम, जो बोरी होती है, बोरी टाट बोल देते हैं जिसको, कॉलम के चारों तरफ लपेट करके उसको 7 days तक अच्छे से क्यूरिंग करना है, तराई करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्यूरिंग इज़ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ए साइड। ठीक है दोस्तों, साइड के लिए बहुत ज़रूरी है तराई। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए प्रिपेयरिंग वर्क चार्ट शेड्यूल डेली। अपना क्या काम हुआ और नेक्स्ट डे क्या काम होने वाला है, इसका हमें एक चार्ट तैयार करना पड़ता है डेली की। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारे पास 40 लेबर है और आज हमारा 40 लेबर ने कितना काम किया, उसका एक चार्ट बनाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट डे के लिए क्या तैयारी है, क्या आगे की चाल है, उसके लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट अपना प्रिपरेशन वर्क चार्ट शेड्यूल। ठीक है दोस्तों, ये वाला है। अब देखिए आप पॉइंट नंबर सिक्स, चेकिंग स्टील वर्क ऑफ ए स्लैब बीम कॉलम बिफोर कास्टिंग। मतलब जब हमारे जैसे स्लैब कास्टिंग हो या बीम कास्टिंग हो या कॉलम कास्टिंग हो, तो कास्टिंग करने से पहले वो एक बार प्रॉपर तरीके से हमें चेक करना होता है कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसमें हमारा सरिया प्रॉपर बंधा हुआ है, जैसे हमने BBS बना के दिया था उसी हिसाब से है, रिंग उसी हिसाब से बने हुए हैं, जो उसका हुक होता है हुक लेंथ प्रॉपर है, 10D के बराबर है या नहीं है, जो ड्राइंग में सरिया दिखा रखा है उसी हिसाब से बीम बंधा हुआ है या उससे डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो वो सारी चीज़ें कास्टिंग होने से पहले एक बार जरूरी चेक करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि स्ट्रक्चर पर बिल्डिंग डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों, लास्ट पॉइंट देखिएगा सुपरविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क का क्या चल रहा है हमारे साइड पर, जो हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उस पर क्या चल रहा है, कहाँ कोई गड़बड़ हो रही है, कुछ इधर उधर कुछ हो तो नहीं रहा, मतलब कोई बेकार काम हो रहा हो, तो वो आपकी नज़र में होना चाहिए सुपरविजन, मतलब आप उसको देखते रहें, वो बार बार चेकिंग करना पड़ता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो, वो आपकी नज़र में होना चाहिए।
और भी दोस्तों दो तीन पॉइंट हैं, तो मैं तैयारी करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आप बताने की। तो बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक कमेंट शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि तब भी मैं कोई ऐसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।